नमस्कार, प्रभासु की किनलेसियस रेसिपी में आपका स्वागत है। और आज हम बनाएंगे खरबूजे का सेक, जो पीने में बहुत टेस्टी होता है और हेल्दी भी होता है, और इसे बनाना भी बहुत आसान है। प्रभासु की किनलेसियस रेसिपी को सब्सक्राइब करें और वीडियो की तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए खरबूजा, मस्कमेलन। तो सबसे पहले इसे हम काट लेते हैं, चाकू लेंगे और इसे इस तरीके से बीच से काट लेंगे। और इसके अंदर का बीज और छिलका हम निकाल देंगे, इसे काट लेंगे और इसका छिलका हम छील लेंगे और इसे हम छोटे छोटे टुकड़े में काट लेंगे। और ये हमारा 1 किलो का खरबूजा था, मैंने इसे आधा काट करके बनाया है। हमें इसे 2 ग्लास बनाना है, आप चाहे तो इसे पूरा बना सकते हैं। अब हम लेंगे एक ग्राइंडर जार और इसके अंदर इसे डाल देंगे, इसे हमें ग्राइंड करना है। अब इसके अंदर हम डालेंगे 2 चम्मच शक्कर, अगर आपको मीठा पसंद है तभी डालिए। और इसके अंदर डालेंगे पहले 1 ग्लास दूध हम डाल देंगे और इसे अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। और ये हमारा अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है। अब हम इसके अंदर थोड़े से आइस क्यूब डालेंगे और इसे एक बार फिर से ग्राइंड कर लेंगे। और आप देख सकते हैं ये हमारा मस्कमेलन शेक बनकर तैयार हो गया है, बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। अब इसे हम ग्लास में निकालते हैं। मैंने 1 ग्लास दूध लिया था और उसके अंदर मैंने खरबूजा डाला था, बर्फ डाला था, और ये 2 ग्लास शेक हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसे ऊपर से गार्निश करते हैं। मैंने थोड़े से इलायची पाउडर लिया है, इसे डाल देंगे और इसके ऊपर पिस्ता और बादाम डालेंगे। और हमारा बहुत ही टेस्टी और हेल्दी मस्कमेलन शेक बनकर तैयार हो गया है, जो गर्मी के मौसम में बहुत ही ठंडा और तरावट देने वाला होता है। तो आप इस तरीके से इस शेक को बनाइए। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो आप अपने कमेंट में जरूर दीजिए और मेरे वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।